दोस्तों, अगर आपके इंडक्शन कुकर में IGBT बार बार ख़राब हो रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। यहाँ पर आपका 100% सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्यूरेट फॉल्ट पर बात करूँगा, यानी कि जिस जिस सेक्शन में ये फॉल्ट आता है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले टाइम पर इससे भी बेटर चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडक्शन कुकर फुल आपका डेड है तो आपने दो सेक्शन को चेक करना है, एक आपका SMPS सेक्शन और दूसरा आपका यहाँ पर IGBT सेक्शन, जहाँ से आपका कोयल वगैरह जो कनेक्टेड रहती है। जो फुली डेड है वो दो कारणों से होता है, एक यहाँ पर IGBT ख़राब होने की वजह से, दूसरा इस तरफ जो है इस IC का ख़राब होने की वजह से और माइक्रो कंट्रोलर ख़राब होने की वजह से। देखिए, बेसिकली जो फॉल्ट हमारा निकल के आ जाता है वो 80% आपको बताऊँ तो IGBT सेक्शन से आता है। यहाँ पर मैंने IGBT को खोल के रखा हुआ है, वो ख़राब है। अब यहाँ पर जो है बार बार ख़राब हो रही है तो उसका क्या कारण होता है वो मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ, इस सेक्शन को जो कंट्रोल करता है वो ये फ्यूज करता है, और इस सेक्शन को यहाँ पर रेजिस्टेंस एज ए फ्यूज यहाँ पर यूज करी है। अगर आपका ये रेजिस्टेंस जो कि फ्यूज के तौर पर लगाया है वो बार बार आपका बांधने पर उड़ रहा है, तो आपने इस IC को चेंज कर लेना है। इस IC को चेंज करने में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेसिकली आपने यहाँ पर डायोड वगैरह और कैपेसिटर भी चेक करने हैं इससे पहले। वैसे जो 80% फॉल्ट आता है इस IC के ख़राब होने की वजह से आता है, इस IC के ख़राब होने से भी यहाँ पर फ्यूज बार बार उड़ रहा है। अब ये फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो आपका मतलब ये IGBT, जिसे हम ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं, IGBT और ये रेक्टिफायर और यहाँ पर एक कैपेसिटर्स के ख़राब होने की वजह से भी आपका ये फ्यूज उड़ सकता है। तो फ्यूज उड़ने की जो 80% वजह होती है वो होती है आपका IGBT उड़ने की। अब IGBT आपने लगा तो ली, चलिए ठीक है लगा ली, फिर बार बार उड़ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसके सबसे बड़े कारण मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, फिर आपको बेसिक फॉल्ट भी मैंने बता दिए। इसके जस्ट पीछे देखिए, यहाँ पर जो इसके प्रिंट हैं, जो IGBT का जो 3 पिन रहता है, पहला पिन रहता है इसका गेट का, दूसरा कलेक्टर का और तीसरा मीटर का। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाऊँ तो पहला वाला गेट का पिन, दूसरा कलेक्टर का और तीसरा मीटर का, इस तरीके से इंस्टॉल होता है। अब यहाँ पर देखिए गेट की पिन जो कि यहाँ से आप इसको ट्रैक करेंगे, गेट की पिन को आप ट्रैक करेंगे तो ये यहाँ पर जा रही, देखिए यहाँ पर होते हुए, यहाँ से होते हुए जा रही, ये यहाँ पर, ये ट्रांजिस्टर से 1 2 3 तीन ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगे रहते। उल्टा करके दिखाऊँ तो यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इन ट्रांजिस्टर्स के ख़राब होने की वजह से आपका गेट की पिन पर क्या होता है, आपको कुछ वोल्टेज मिलने लगती है। अगर आपका ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है तो गेट की पिन पर कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। वो मैं अभी आपको चेक करके बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल आपको पहले मैं बेसिकली समझा दूँ तो ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनके ख़राब होने की, इनमें से कोई एक ट्रांजिस्टर ख़राब है या फिर तीनों ख़राब हैं, इनके ख़राब होने की वजह से यहाँ पर आपको कुछ वोल्टेज मिलने लगती है, जिससे आपका IGBT बार बार ख़राब होता है। बेसिकली अगर ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके हैं तो आपके गेट के पिन पर कुछ ऐसी आपको वोल्टेज मिलेंगी। देखिए, आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप फ्यूज बांध लीजिए और यहाँ पर IGBT को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, बाहर निकालना ज़रूरी है। अब यहाँ पर चलिए इसको मैं ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए गेट की पिन पर कैसे चेक करना है, ये जो ब्लैक प्रोब है, और उससे पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर DC में चेक करना है। DC 1000 वोल्ट की रेंज पे आप इसको रखिए, और यहाँ पर चलिए यहाँ पर दिखाऊं तो क्लियरली आपको शायद दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जो इसका जो अमीटर है, अब गेट कलेक्टर एंड अमीटर पे आपने रखना है ब्लैक प्रोब को, थोड़ा सा संभल के, यहाँ पर अभी करंट है फुल तो यहाँ पर बड़ा ध्यान से आपको करना है। तो अमीटर पे ब्लैक प्रोब को रख लिया, और सबसे पहले आप कलेक्टर पे चेक कीजिए कितना वोल्टेज आ रहा है, 299 और 300, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 350 भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है AC आपका इनपुट करता है लगभग 220, 230 या 240 वोल्ट इनपुट, और रेक्टिफायर वगैरह के बाद आपको वहाँ पर 350, मतलब 80 से 100 वोल्ट ज़्यादा रेक्टिफायर के बाद में मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर ओके है ये। अब यहाँ पर लास्ट में इसको लगा के रखिए, और सबसे पहली पिन पे चेक कीजिए, जो आपका गेट की पिन है, अमीटर और गेट को चेक कीजिए, कोई भी वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल जीरो कोई भी यहाँ पर वोल्टेज मिलती है तो समझ लीजिए आपका आगे ट्रांजिस्टर आपके ख़राब हैं। तो ट्रांजिस्टर ख़राब रहेंगे या फिर ओपन रहेंगे या फिर शॉर्ट वगैरह जो भी रहेंगे, तो यहाँ पर आपको गेट में कुछ वोल्टेज देखने के लिए मिल सकती है। गेट में वोल्टेज मिले तो समझ लीजिए आपका ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब हो जाएगा, सॉरी IGBT आपका बार बार यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। अब दूसरी जो वजह है, चलिए मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। दूसरी जो वजह है आपका ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब होने की, तो इसके जस्ट नीचे एक यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये थर्मिस्टर दिखेगा, थोड़ा सा क्लियर करके दिखाऊं तो यहाँ पर एक जेनर की तरह आपको यहाँ पर थर्मिस्टर मिलेगा, जो कि इसको सेंस करता है, यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को सेंस करता है। मैं बार बार इसको ट्रांजिस्टर कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर इसको ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं और IGBT भी कहते हैं, तो IGBT का फुल फॉर्म भी ट्रांजिस्टर ही होता है।
तो चलिए आज आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। IGBT का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिसे आता है तो बता दीजिए, नहीं आता है तो बिल्कुल मैं बताऊँगा, उसको पिन कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा करूँगा तो आप शायद तब कमेंट करेंगे, कमेंट आती नहीं है हमारे वीडियो पे, बहुत कम कमेंट आपको देखने के लिए मिलती। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक फॉल्ट बता दिया मैंने, ये ट्रांजिस्टर आपके ख़राब हैं या फिर ओपन हैं, तो इस वजह से आपके यहाँ पर IGBT में फॉल्ट बार बार देखने के लिए मिल सकता है। आपने लगा दिया उड़ गया, लगा दिया उड़ गया, तो इस तरीके से देखने के लिए मिल सकता है। और दूसरा ट्रांजिस्टर को ख़राब होने का फॉल्ट आता है, यहाँ पर ये सेंसर आपका ख़राब है, तो इस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। और तीसरा फॉल्ट है यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला, चलिए आपको दिखाता हूँ, ये जो कैपेसिटर लगा है इसके शॉर्ट होने की वजह से आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे चेक कर लेंगे, देखिए इस कैपेसिटर को बेसिकली आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये शॉर्ट दिखाएगा ही दिखाएगा, चलिए आपको दिखाता हूँ, ऐसे चेक करेंगे तो ये बिल्कुल शॉर्ट दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉइल भी लगी रहती है, इसकी वजह से यहाँ पर कैपेसिटर आपको शॉर्ट दिखा सकता है। असल में शॉर्ट नहीं है, इस कॉइल का एक ये वाला लेग, ये भले ये कोई सा भी एक लेग निकाल के इस कैपेसिटर को आपने चेक करना है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होता है वैसे, कम बहुत कम कंडीशन में मिलता है शॉर्ट देखने को, अगर होता है तो चेक कर लीजिए। बाकी आपको ट्रांजिस्टर में चेक करना बता देता हूँ। वैसे अगर आपको लगता है यहाँ पर ट्रांजिस्टर, सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिस्टर की लेग दिखा देता हूँ, 1 2 3 एक ट्रांजिस्टर की, 1 2 3 दूसरी की, 1 2 3 तीसरी की। तो यहाँ पर जो तीनों ट्रांजिस्टर हैं इनको हमें एक एक बारी बारी से चेक करना है। अब यहाँ पर ये रखा मल्टीमीटर हमारा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप फर्स्ट वाली ट्रांजिस्टर को चेक कीजिएगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दिखाई देगी। दूसरा, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि किसी ट्रांजिस्टर में आपको शॉर्टिंग सुनाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, तो उस ट्रांजिस्टर को निकाल के आपको बाहर निकाल के चेक करना है। बोर्ड पे लगे लगे चेक मत कीजिए, बोर्ड पे लगे लगे आप चेक करेंगे तो कोई और कंपोनेंट के ख़राब होने की वजह से भी ट्रांजिस्टर वहाँ पर शॉर्टिंग दिखा सकता है, तो इसलिए आप ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल के ज़रूर चेक कीजिएगा। फिलहाल आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं है, अगर कोई इसी में बीप मुझे सुनाई देती है तो डाउट क्लियर करने के लिए उसको बाहर निकाल के हमने चेक करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ, ये ट्रांजिस्टर है, ये उस नंबर का नहीं है, लेकिन ट्रांजिस्टर को चेक करने का मेथड बिल्कुल सेम होता है, कोई सा भी हो। तो यहाँ पर उस ट्रांजिस्टर को मान लीजिए मैंने निकाल के बाहर के रखा हुआ है, तो ऐसे करके चेक करेंगे। फर्स्ट लेग देखिए, एक फर्स्ट लेग में लगा दिया एक प्रोब को, दूसरा बीच में लगाएंगे और तीसरा कॉर्नर पे। तो किसी में भी आपको, किसी भी दो पिन पे आपको शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। ट्रांजिस्टर में दो खराबियाँ आती है, एक शॉर्टिंग की आती है, एक ओपन आ जाता है। किसी किसी में शॉर्टिंग नहीं आती है तो भी ट्रांजिस्टर ख़राब होता है, बिल्कुल वहाँ पर ओपन हो जाता है अंदर से, तो ऐसी कंडीशन भी देखने के लिए मिलती है। काफ़ी सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और बताता हूँ। ट्रांजिस्टर आपको सबसे पहले तो मैंने जो मेथड बताया है, गेट की पिन पे आपने चेक करना है, कुछ वोल्टेज आ रही है तो समझ लीजिए कोई ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो तीनों ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल के चेक करना है, शॉर्टिंग आ रही नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, वहाँ पर ओपन हो गया होगा, कोई बात नहीं, ओपन होने की वजह से भी ऐसा होता है। तो तीनों ट्रांजिस्टर को मेरी जो एडवाइस आपको मैं दूंगा, तो तीनों ट्रांजिस्टर को आप चेंज जरूर कर लेना, और साथ ही जो इसके अगल बगल जितने भी कंपोनेंट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 41-48 नंबर का आपको ये जो है आपको यहाँ पर जेनर की शेप में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्विचिंग के लिए यूज हुआ है, तो 41-48 नंबर के इस जेनर को भी आप चेक कर लेना यहाँ पर इस तरीके से। तो इसमें भी कोई शॉर्टिंग वोटिंग नहीं आनी चाहिए, तो इसको भी आप ज़रूर चेक कर लेना इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग वोटिंग नहीं आनी चाहिए, लगता है तो आप इसको बाहर निकाल के चेक कीजिए और चेंज कर दीजिए। 41-47 नंबर जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, 41-47 नंबर ऐसे यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, इसका नंबर। तो इस तरह से आपका फॉल्ट जो है क्लियर हो जाए। बाकी जो एक सबसे बड़ा फॉल्ट आपको मैं बता दूँ, इस बोर्ड से नहीं आता बल्कि ट्रांजिस्टर से आता है। देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर मार्केट में आजकल लोकल वाले भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, होता क्या है आपने लगा लिया को तो कुछ देर बाद वहाँ पर वो शॉर्ट हो जाते हैं, आपने फिर लगाया फिर शॉर्ट हो गया, जितने भी आप चेंज करेंगे बार बार शॉर्ट हो जाएंगे, ऐसा होता है ना। लोकल वाले ट्रांजिस्टर आपको नहीं लगाने हैं। मेरी एक ही एडवाइज़ है, आप किसी भी इंडक्शन कुकटॉप की शॉप में जाइए और ओरिजिनल वाला मांगिए, उनसे कहिए भैया दो पैसा ज़्यादा ले लेंगे, ओरिजिनल वाला दे दीजिए। भले आपको ओरिजिनल नहीं मिलता है तो आप किसी और सर्किट से निकाल के आप मांग सकते हैं। ऐसा होता है कि इंडक्शन में कई सारी खराबी होती है, कोई कोई सर्किट ऐसे पड़े रहते हैं जिसमें माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है, ये वाली IC ख़राब है, तो इनके ख़राब होने की वजह से हमारे सर्किट बंद पड़ जाते हैं, डेड पड़ जाते हैं, तो मिलते नहीं हैं। तो पुराने सर्किट से उनसे कहिए कि निकाल के आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, तो वो जो है ओरिजिनल आते हैं तो उनको आप लगा लीजिए। डुप्लीकेट वाले ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं, तो इस आपसे यही कहूँगा कि ओरिजिनल लगा लीजिए। तो इन इन कारणों से हमारे ट्रांजिस्टर के ख़राब होने की
जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। और तीसरी जो इसमें अगला जो फॉल्ट है, ट्रांजिस्टर उसी नंबर का आप मेंशन कीजिए, ये वाटेज के हिसाब से यहाँ पे लगते हैं, तो उसी नंबर का, जिस नंबर का आप वहाँ से निकालते हैं तो उसी नंबर का वहाँ पे मेंशन कीजिए। उससे नहीं है उस नंबर का तो किसी से एडवाइस ले लीजिए कि मिलता जुलता आप लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने बढ़ा के लगा लिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल हो चलने के लिए भी चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही आपको बताऊँगा कि भाई उसी नंबर का आप लगा लीजिए, नहीं मिलता है तो मिलता जुलता आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह आपको बहुत सारी जानकारी आगे आने वाली वीडियोज में देखने के लिए मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।